हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव हुए तो वहीं दिल्ली एमसीडी की तैयारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। केजरीवाल ने बीजेपी से 15 साल के कामकाज का हिसाब मांगा तो बीजेपी ने आप पर आरोपों की पूरी किताब खोल डाली। ये मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही, बल्कि वो महाठग की दिखाई दे रही है। नीचे है, टैक्स पेयर के रुपए से देते हैं। ये दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं, फिर 5 साल उस पर कुछ नहीं करते, तो अगली बार कहते हैं नहीं इस बार संकल्प पत्र जारी करेंगे, फिर उस पर भी कुछ नहीं करते, तो अगली बार कहते हैं इस बार हम मैनिफेस्टो जो मर्जी कह लें। अपने अपने चुनावी वादों के बाद अब एमसीडी की सियासी लड़ाई बढ़ गई है। विकास वाली राजनीति के बीच धर्म वाली जंग भी छिड़ गई है, क्योंकि बीजेपी सवाल उठा रही है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारक क्यों बनाया? क्या आपने हिंदुओं के अपमान के लिए फिर से ये कदम उठाया? शब्द राजेंद्र पाल गौतम के थे विषैले, नफरत भरे। सोच अरविंद केजरीवाल की ही थी। रहा नहीं गया अपने नफरती नेता के बिना, उनको स्टार कैंपेनर बनाया। स्टार कैंपेनर बना के जिम्मेदारी ये दी, जाके हिंदू देवी देवताओं को खूब गाली देना। एमसीडी के चुनाव से पहले बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। केजरीवाल का नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर वाला बयान याद दिला रही है। दिल्ली सरकार के विज्ञापन के जरिए अरविंद केजरीवाल की नियत पर सवाल उठा रही है। टैक्स पेयर के रुपए से एक इश्तिहार दिया, ये इश्तिहार आप देखिएगा ध्यान से ऊपर, अच्छा नीचे, सॉरी महाठग नीचे है, ऊपर नहीं है। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही, बल्कि अच्छा वो महाठग की दिखाई दे रही है। नीचे है, टैक्स पेयर के रुपए से देते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट में तो नहीं दूंगा। एमसीडी की 250 सीटों के दंगल में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। मंत्री पद छोड़ने वाले राजेंद्र पाल गौतम के जरिए केजरीवाल को घेरा तो मुख्यमंत्री ने खुद इसका जवाब दिया। बीजेपी पर मुद्दों से भटकाने की राजनीति का आरोप लगा दिया। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, कोई 5 काम बता दो जो आपने 15 साल में किए हो। कोई 5 काम बता दो जो 15 साल में एमसीडी, चलो 5 मत बताओ, 2 ही काम बता दो जो तुमने 15 साल के, मतलब 24 घंटे बैठ के मेरे को गाली देते हैं, ढोंगी है, राक्षस है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये क्या राजनीति? केजरीवाल बीजेपी से एमसीडी के 15 साल का हिस्सा मांग रहे हैं। बीजेपी के हमलों के जवाब में दिल्ली सरकार के काम को गिना रहे हैं। So, इस बात पे वोट मांग रहे हैं, वो इस बात पे वो चाहते हैं, तो जनता तय कर लेगी कि उनको वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 7 तारीख 7 को नतीजे आ रहे हैं ना, 7 को नतीजे आ जाएंगे। मतलब वो वोट किस चीज पे मांग रहे हैं? इस चीज, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ये इस चीज पे वोट मांग रहे हैं। उधर बीजेपी केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को छलावा बता रही है, विकास के हर एक दावों पर सवाल उठा रही है। भगवान बचाए इस दिल्ली मॉडल से। शिक्षा की बात करते करते शराब का घोटाला कर बैठे, स्वास्थ्य की बात करते करते घोटाला कर बैठे, पानी की बात करते करते पानी माफियाओं को परश्रय दे दिया, और यमुना का पानी आपने देखा कितना बह गया, और यमुना का पानी कितना पोल्यूटेड हो गया वो भी आपने देख लिया। तो भगवान बचाए इनसे, और इसीलिए ये प्रचार हिमाचल करने नहीं आ रहे, क्योंकि मालूम है पंजाब की हवा यहाँ तक पहुंची हुई है। इस सियासी वार पलटवार के बीच आपने एमसीडी के 134 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। एमसीडी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। उधर बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को फाइनल करने में जुटी हुई है। इन सबके बीच बीजेपी के हिंदू कार्ड ने फिर एमसीडी वाली सियासत को हवा दे दी है।
सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।